हेलो गाइस, दिस इज़ प्राची। सो आज हम बात करेंगे टीपीएचए टेस्ट के बारे में। बेसिकली टीपीएचए टेस्ट क्या होता है, क्यों कराया जाता है, किस कंडीशन में कराया जाता है और इसका बीडीआरएल और सिफिलिस से क्या कनेक्शन है, इस बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। सो बेसिकली टीपीएचए टेस्ट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ होता है और जो है टीपीएचए टेस्ट पॉजिटिव क्यों आता है अब हम ये जानते हैं। सो टीपीएचए इज़ पॉजिटिव फॉर, सबसे पहले हम जान लेते हैं टीपीएचए टेस्ट तब किया जाता है जब BDRL पॉजिटिव आ रहा हो, और जो BDRL आपको पता है वो सिफिलिस के लिए किया जाता है। सो TPHA टेस्ट शुड बी यूज्ड फॉर रूटीन कन्फर्मेशनल ऑफ रिएक्टिव BDRL। अगर आपका आपने BDRL टेस्ट करवाया है वो फॉल्स पॉजिटिव आ रहा है, फॉल्स पॉजिटिव का मतलब आपके अंदर सिम्टम्स नहीं है कोई भी, मतलब जो सिम्टम्स नहीं है आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो रही, लेकिन आपका BDRL पॉजिटिव आ गया, हो सकता है फॉल्स पॉजिटिव हो, तो उसके इररेस्पेक्टिव मतलब अगर BDRL पॉजिटिव है आपको कोई सिम्टम्स नहीं है तो आप एक बार TPHA करा के कन्फर्म कीजिए कि BDRL है कि नहीं है। सो उस कंडीशन में स्पेशली किया जाता है जब आपकी सिफिलिस की जो वैल्यू है, जो टाइटर है, वो 1:8 आ रहा हो। इस कंडीशन में आपको एक बार TPHA करा के कन्फर्म करना चाहिए कि आपको जो है सिफिलिस है कि नहीं है, क्योंकि BDRL एक कन्फर्मेशनल टेस्ट है। लेकिन BDRL से भी जो एक हम बात करें एक्यूरेट रिजल्ट की, तो वो हमें TPHA टेस्ट दे देता है, क्योंकि वो क्वांटिटेटिव टेस्ट होता है, उसमें क्वालिटी क्वांटिटी पता लग जाती है कितनी क्वांटिटी में आपको जो है सिफिलिस हो रखा है, उसका जो एंटीजन है वो आपकी बॉडी में कितनी क्वांटिटी में है। उसके बाद बात करें हम डिफरेंस बिटवीन BDRL एंड TPHA टेस्ट। अभी BDRL और TPHA में क्या डिफरेंस होता है? सो TPHA टेस्ट इज कन्फर्मेटरी फॉर सिफिलिस, बट इट डज नॉट ट्रांसलेट टू एक्टिव इन्फेक्शन। एवरी टाइम एज वंस पॉजिटिव ऑलवेज पॉजिटिव होल्ड ट्रू फॉर TPHA टेस्ट। सो गाइस क्या होता है कि जब TPHA टेस्ट जो है वो कन्फर्मेटरी टेस्ट है, जैसे कि हमने बात की पहले भी, बट इट डज नॉट ट्रांसलेट टू एक्टिव इन्फेक्शन, है ना। क्या होता है कि अगर एक बार आपका जो है सिफिलिस पॉजिटिव हो गया और उस टाइम पे आपने दवाई खा के उसको ट्रीट कर लिया, लेकिन आप बाद में TPHA कराते हैं फिर भी वो पॉजिटिव आएगा, मतलब अगर एक बार पॉजिटिव आ गया तो वो बाद में भी पॉजिटिव आएगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप TPHA टेस्ट आपका पॉजिटिव आ गया तो आपका BDRL आपको सिफिलिस अभी भी है। सो ऐसा नहीं होता, ये कुछ महीने तक पॉजिटिव आता है। उसके बाद हम बात करें व्हाट TPHA इज नेगेटिव। सो अगर TPHA नेगेटिव आता है तो देर इज़ नो फर्दर इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर्ड। अगर आपका TPHA नेगेटिव है तो आप